उधर सखियां भगवान श्री कृष्ण के वियोग में सभी रो रही हैं यमुना के तट। हर पल हर क्षण अपने कृष्ण का इंतजार करती हैं, कभी तो मेरे बांके बिहारी आएंगे, कभी तो मेरे प्रियतम आएंगे, है इसी आशा में है कि निश्चित रूप से एक न एक दिन हमारे मनमोहन आएंगे। कहा दिल दुखा के श्याम मथुरा को गए, दिल दुखा के श्याम मथुरा को गए, दुखा के श्याम मथुरा को गए। दिल दुखा के श्याम मथुरा को गए, Thank you.
आज महाराज इस तरह से भगवान श्याम सुंदर के वियोग में सखियां रो रही हैं। ध्यान रखना भैया, इधर उद्धव जी सुबह स्नान करने के लिए जाते हैं, वो गोपिकाएं सब रो रही हैं। उद्धव जी समझ गए कि यही कृष्ण की प्रेम दीवानी गोपिकाएं। आज इस तरह से सखियां जब रो रही हैं, उद्धव समझ गए कि यही हमारी कृष्ण की प्रेम दीवानी गोपिकाएं। उद्धव ने जाकर के प्रणाम किया और कहा कि मैं आपके कृष्ण का परम सखा हूं, मैं उद्धव। तो इसी समय प्रिय भक्तों, आज जिस समय वो पत्र दिया है, जिस पत्र में गोपिकाओं के लिए लिखा है, ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान बीच में आ गए। कोई उस पत्र को पढ़ करके अपने हृदय से लगा रही हैं, कोई उस पत्र को पढ़ करके मुख से चूम रही हैं, कोई उसका दर्शन कर रहे हैं, साक्षात भगवान कृष्ण ऐसा लग रहा था। महाराज, इसी बीच में समझाया है उद्धव ने कि तुम्हारे कृष्ण केवल मात्र तुम्हारे ही कृष्ण नहीं हैं, वो जगत के ब्रह्म हैं। ज्ञान मार्ग से समझने की कोशिश करो।